Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start MS Excel question. As I have discussed in the earlier lecture that how we can solve MS Word question and also PowerPoint question. So आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि MS Excel से related जो question आपके KYP के final exam में पूछा जाता है उसे हम लोग कैसे solve करेंगे और इसमें किस तरह के question आते हैं basically. ये एक practice set है, मैंने पहले ही आपको कई बार बताया है कि ये एक practice set है जो आपके KYP lab से मतलब आपका जो लैब सेशन होता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको कराए जाते हैं, लेकिन मैंने उसको एक जगह समराइज करके आपको प्रैक्टिस करने के लिए बनाया है ताकि आप इसको देखें और इसको प्रैक्टिस एग्जाम से पहले अपने प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आई होप आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा जाएगा और आपके मार्क्स जो है CIT के काफ़ी अच्छे आएंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं CIT में फेल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सेल के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होता है। MS वर्ड और पावर पॉइंट तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं लेकिन एक्सेल में जो वो पहुंचते हैं तो एक्सेल के बारे में उनके पास नॉलेज जो होता है वो जीरो होता है, जिसके वजह से एक्सेल का क्वेश्चन वो कुछ भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं और नतीजा ये होता है कि फाइनली उनका रिजल्ट जो होता है वो खराब हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एक्सेल के क्वेश्चन। इसमें मैंने 22 टोटल क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके KYP फाइनल एग्जाम से भी मिलता है और आपके लैब सेशन से भी मिलता है। तो आप अगर आई होप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका मार्क्स अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एडजस्ट द टॉप मार्जिन ऑफ द गिवन एक्सेल शीट बाय 1.5 इंच। अगर ऐसे 1.5 लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि 1.5 इंच के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ डबल कॉमा भी होगा साथ में, यहाँ पे ऊपर में डबल कोट होता है साथ में, तो वो इंडिकेट करता है कि 1.5 इंच के बारे में कहा जा रहा है। अगर सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे लिखा रहा है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि एक एक्सेल शीट ओपन कीजिए और उसके टॉप मार्जिन को क्या एडजस्ट कीजिए, 1.5 इंच में कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक्सेल शीट 1 को ओपन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं इस एक्सेल शीट के मार्जिन को, मार्जिन कहाँ होता है, पेज लेआउट में मार्जिन होता है, इसको कितना एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है आपको 1.5 टॉप मार्जिन को। तो टॉप मार्जिन कहाँ है, यहाँ है, तो ये 1.3 है, ये 1.8 हो जा रहा है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे 1.5 क्या नहीं है तो आप मैनुअली डाल सकते हैं 1.5। ओके, ये बाय डिफॉल्ट इंच में ले रहा है लेकिन आप वर्ड में अगर देखेंगे या पावर पॉइंट में देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन होता है सेंटीमीटर। वर्ड में खासकर देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन होता है मार्जिन में सेंटीमीटर लिखा रहता है। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, डबल कोट यानी कि डबल कॉमा लगाना पड़ता है जिससे इंच में कन्वर्ट दिखाई देता है। ओके, तो ये क्या है 1.5 करने के लिए सिंपली कह रहा था टॉप मार्जिन को। क्वेश्चन में हम लोग देखें फिर से, यहाँ कह रहा है एडजस्ट द टॉप मार्जिन ऑफ द गिवन एक्सेल शीट बाय 1.5, यहाँ हम लोगों ने 1.5 कर दिया, इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके, तो इसका टॉप मार्जिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करना होता है यानी सेव करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेक द रो नंबर 4 ऑफ द गिवन एक्सेल शीट 25 आई, कह रहा रो नंबर 5 का जो हाइट है वो उसको 25 करना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रो नंबर कितना कह रहा है, रो नंबर, क्वेश्चन को ध्यान से रखिए, कौन सा रो में कह रहा है, रो नंबर 4। रो नंबर 4 कौन होगा, ये आपका रो नंबर 4 है दिखाई दे रहा है, इसके हाइट को यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है रो हाइट, इस पर क्लिक करेंगे, रो हाइट को कितना कह रहा करने के लिए 25, तो 25 करके ओके करेंगे। देखिए ये रो का साइज क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे, ये रो हाइट क्या हो गया 25, इंक्रीज करके 25 होगा, पहले कितना था, पहले था 15.4 था, अब कितना हो गया 25 हो गया ये हुआ। ओके, इसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, डिलीट द होम लोन शीट फ्रॉम द गिवन एक्सेल शीट, कह रहा है जो एक्सेल शीट है उसमें होम लोन शीट जो दिया हुआ उसको डिलीट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस एक्सेल शीट में कितना शीट है, तो देखिए यहाँ पे तो एक्सेल शीट में एक ही शीट दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में लगता है चेंजेस हुआ है, डिलीट द होम लोन शीट फ्रॉम द गिवन एक्सेल शीट। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको, यहाँ पे एक शीट अगर मान लीजिए इस नेम से बन जाए अगर होम लोन, ओके ये शीट यहाँ पे दिया हुआ है होम लोन, ठीक है होम लोन नाम से ये दूसरा शीट है, यहाँ पे पहला शीट ये है, सेकंड शीट ये है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप होम लोन शीट को डिलीट कीजिए। तो आप देखिएगा कि इसमें कोई भी एक्सेल शीट खोलिएगा तो यहाँ नीचे में दिखाएगा कि उसमें कितना शीट अटैच है, ये फर्स्ट शीट है, ये आपका फर्स्ट, ये वाला आपका फर्स्ट शीट जो खुला हुआ है और ये आपका सेकंड शीट है, सेकंड शीट ये ब्लैंक है, हम इसमें जो चाहे डाल दें यहाँ पे, ठीक है अपने हिसाब से कुछ भी डाल के भर लेंगे ये शीट जो भी रहेगा। यहाँ पे हमको कह रहा है कि होम लोन शीट जो है उसको डिलीट कर दीजिए, होम लोन शीट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये होम लोन शीट क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, अगर कहेगा कि एडिशनल शीट यानी दूसरा शीट क्रिएट कीजिए, एक शीट पहले से दिया हुआ है इसमें दूसरा एक शीट बनाएंगे, तो यहीं पर एड पर क्लिक करेंगे, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और नया शीट का नाम दे देंगे तो नया शीट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी डिलीट करने के लिए सिर्फ कहा था कि इस शीट से होम लोन शीट को डिलीट कीजिए, हम लोगों ने यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब हम लोग करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन, आप देखेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इन द गिवन एक्सेल शीट इंसर्ट द हॉलीडे शीट आफ्टर लिस्ट इन्फो, कह रहा है क्या कीजिए, हॉलीडे शीट को लिस्ट इन्फो से क्या कीजिए, एक्सचेंज की क्या, सॉरी इन द गिवन एक्सेल शीट इंसर्ट द हॉलीडे शीट आफ्टर लिस्ट इन्फो,
कह रहा पहला शीट जो होना चाहिए वो लिस्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से होना चाहिए और सेकेंड जो शीट होना चाहिए वो हॉलीडे होना चाहिए। ओके तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं इसमें कितना शीट पहले से अटैच है, उसमें शीट को एडजस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पहले क्या कह रहा है, पहला आपका शीट हॉलीडे है और सेकेंड शीट क्या है, लिस्ट इन्फो है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन एक्सेल शीट में से क्या होना चाहिए, इंसर्ट द हॉलीडे शीट आफ्टर लिस्ट इन्फो, यानी पहले लिस्ट इन्फो होना चाहिए। पहला शीट ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ, यही कह रहा क्वेश्चन में, लिस्ट इन्फो शीट पहले होना चाहिए और हॉलीडे शीट बाद में। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं और मूव से भी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो लिस्ट इन्फो को यहाँ से ये कीजिए और यहाँ पे लाके क्लिक कर दीजिए, यानी इसको ड्रैग कीजिए और यहाँ आगे लाके छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट इन्फो पहले हो जाएगा, हॉलीडे बाद में हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, बस कर्सर से इसको ड्रैग कीजिए और यहाँ ले आके छोड़ दीजिए। अभी हमको अगर इसके 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 बात करना है तो फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट इन्फो को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ से लिस्ट इन्फो को फिर से उठा के यहाँ रखिएगा, तो हॉलीडे, यहाँ हॉलीडे को अगर उठा के यहाँ रखिएगा, लिस्ट इन्फो चेंज हो जाएगा बस। ये क्या, आप देखिए यहाँ हॉलीडे हो गया, यहाँ लिस्ट इन्फो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसको इधर करना था, इसको इधर, बस चेंज हो गया। सिंपली जिसको जहाँ मूव करने के लिए कह रहा है उसको, यानी कि आपको देखना है कि पहला शीट कौन रखना है और सेकेंड शीट कौन रखना है, बस यही है। उसके हिसाब से इन दोनों को आपस में मूव कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके सेम एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम ई ऑफ द गिवन एक्सेल शीट 15.57। कह रहा है कॉलम ई का जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको 15.57 कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करते हैं और ई के कॉलम को 15.57 जो करना है वो करते हैं हम लोग। तो ई कॉलम कौन है, यही ई कॉलम है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहा है, इसके विड्थ को, तो देखिए कॉलम विड्थ यहाँ है, ठीक है, ये के पहले से कितना है 8.11 है, इसको कितना करने के लिए कह रहा है, 15.57 करने के लिए कह रहा है, यानी कह रहा है इसको कीजिए। देखिए ये बढ़ गया कॉलम विड्थ, पहले पतला था अब क्या हो गया, बढ़ के बड़ा हो गया, यही कॉलम विड्थ क्या हो गया, 15.57 हो गया। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक द जूम लेवल 90% ऑफ द गिवन एक्सेल शीट। कह रहा है जो एक्सेल शीट दिया हुआ है छठा में, उसके जूम लेवल को कितना कर देना है, 80% कर देना है, 80% है ना। एक सेकंड क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में कहा 90% करना है इसके जूम लेवल को, 90%। तो देखेंगे कहाँ से हम लोग, यानी किसी भी शीट को देखना हो तो व्यू पे जाएंगे, और जूम करके देखना है कि जूम आउट करके देखना है, तो जूम इन करके देखना है, तो जूम इन में कितना करके देखना है, 90%। तो देखेंगे यहाँ पे 90% है कहीं पे, नहीं है, नहीं होता है तो कस्टम में जाते हैं, और कस्टम में डालने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, 90% हम लोगों को चाहिए। तो ये हो गया 90% जूम लेवल। ओके एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जब भी जूम के बारे में कहा जाए तो व्यू में जाएंगे, जूम में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे जो कह रहा है कितना परसेंट, अगर वो है वहां पे उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो कस्टम में जाकर उतना वैल्यू डाल देंगे, ओके कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा। ओके तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 में इन द गिवन एक्सेल शीट इंसर्ट ए न्यू कॉलम आफ्टर कॉलम ए, यानी कॉलम ए के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। ओके तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 में, और कॉलम ए के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा, कॉलम ए कहाँ है, देखिए कॉलम ए ये है, इसके बाद यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बी के पास जाके इंसर्ट क्लिक करेंगे, बी के बाद बी के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम ए के बाद आ जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पे ए के, हमने क्या किया, बी को सेलेक्ट किया और वहां पे एक इंसर्ट किया, तो बी के पास एक नया कॉलम, बी की जगह पे एक नया कॉलम यहाँ पे ब्लैंक आ गया, जो कॉलम पहले बी पे था वो सी पे चला गया और एक नया कॉलम यहाँ पे ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया ए के बाद। यही क्वेश्चन में कह रहा था, ए के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट कीजिए। ओके सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिलीट द चार्ट शीट फ्रॉम द गिवन एक्सेल शीट। कह रहा है एक्सेल शीट जो दिया हुआ उसमें चार्ट शीट जो है उसको डिलीट कीजिए। हम लोग इसको ओपन करेंगे, देखेंगे कि इसमें चार्ट शीट है कि नहीं है। देखिए यहाँ पहला शीट शीट वन है, दूसरा शीट क्या है, चार्ट शीट है ये, ठीक है, दूसरा शीट क्या है, ब्लैंक चार्ट शीट है। तो कह रहा है चार्ट शीट को डिलीट कीजिए, तो चार्ट शीट पर राइट क्लिक करेंगे जिसको डिलीट करना है और डिलीट पर क्लिक कर देंगे, तो चार्ट शीट क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, हो गया डिलीट। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था, अब हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है इंसर्ट द कार लोन शीट आफ्टर होम लोन शीट। कह रहा है कार लोन शीट को इंसर्ट कीजिए होम लोन शीट के बाद। तो देखते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन शीट पहले से अटैच है। तो पहले से क्या होना चाहिए, कह रहा है होम लोन शीट को बनाइए कार लोन शीट के बाद। यहाँ पे ऑलरेडी है, हम इसको मान लीजिए नया क्या कह रहा था कि आपको क्वेश्चन में क्या था इंसर्ट करने के, यहाँ पहले से इंसर्ट था, हालांकि देखते हैं ये क्या कह रहा है, इंसर्ट कार लोन शीट आफ्टर होम लोन शीट। तो यहाँ पे कार लोन शीट है, इसके बाद एक नया शीट होम लोन शीट के नाम से इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्लस पे क्लिक करेंगे और इस शीट का नाम क्या दे देंगे, होम लोन शीट। इस शीट का नाम क्या चेंज कर देंगे, लिख देंगे होम लोन शीट। शीट तो पहले से ही है, अब हो गया कार लोन के बाद होम लोन आ गया, यानी कार लोन शीट पहले था, उसके बाद अब हम लोग नया इंसर्ट शीट करके
नया शीट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसका नाम होम लोन है। अब क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, इन द गिवन एक्सेल शीट सेट रो नंबर 1 to row number 5 यूजिंग कट कॉपी पेस्ट। कह रहा है कि सिंपली क्या करना है आपको, रो नंबर 1 को कट करना है, ठीक है। इन द गिवन एक्सेल शीट सेट रो नंबर 1 to row number 5, यानी 1 को आपको कट करना है और रो नंबर 5 पे ले आके पेस्ट कर देना है, यही करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग, रो नंबर 1 को कट करना है और रो नंबर 5 में ले आके पेस्ट कर देना है। रो नंबर 1 कौन है, ये है, इसको कट करना है। तो कट के लिए क्या होता है, कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है, या फिर ऐसे करके भी कट कर सकते हैं, यहाँ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ है, यहाँ से भी कीजिए तो वही है, वो भी वही है। और रो नंबर 5 पे ले आके पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल वी करके भी कर सकते हैं, तो यही से कर सकते हैं। यहाँ क्या देखिए, रो नंबर 1 पे जो लिखा हुआ था वो रो नंबर 5 पे आ गया। अब नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारा क्या था, 1 पे था, ये 5 पे आ गया, तो इसको कट किया और 5 पे ले आके पेस्ट कर दिया। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की जरूर याद रखना है कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से जो होता है वो कट होता है। ये एकदम दिमाग में होना चाहिए क्योंकि सीआईटी के क्वेश्चन में ये सारा चीज बेसिक है। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शॉर्टिंग द कॉलम बी फ्रॉम ए टू जेड इन द गिवन एक्सेल शीट, यानी कॉलम बी में जो भी चीज है उसको शॉर्ट कीजिए ए टू जेड के फॉर्म में। यानी ए अल्फाबेट से जो लिखा हुआ है उसको पहले लाइए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरह से करके ए टू जेड शॉर्ट करना है। तो कॉलम बी कहाँ है, देखिए तो ये कॉलम बी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, इसको कह रहा है शॉर्ट करने के लिए। तो शॉर्ट कहाँ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट किस फॉर्म में करना है, ए टू जेड करना है, जेड टू ए भी हो सकता है, ए टू जेड भी हो सकता है। अभी हमको क्या करना, देखिए पहले नाम किसका है, प्रियदर्शी, तो हमको क्या चाहिए, पहले जिसका नाम ए से है वो पहले आए, तो ए से किसी का नाम है इसमें, देखिए तो ए से है, अफरूज आलम है, अर्पणा भारती है, दो दो है, तो कौन पहले आएगा, सबसे पहले ए आर आता है पहले कि एफ आता है, तो पहले एफ आता है, तो सबसे पहले अफरोज आलम आएगा, फिर अर्पणा भारती आएगा, फिर सोन बी सी डी, इस तरह से आएगा शॉर्ट करने पे। तो देखिए शॉर्ट करते हैं हम लोग, शॉर्ट क्लिक किया, ओके, यहाँ पे है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन शॉर्ट। ये देखिए अर्पणा भारती सबसे पहले क्या आया, अफरोज आलम सबसे ऊपर में, अफरोज आलम, फिर अर्पणा, फिर चंदन चौधरी, फिर चंद्रभूषण, देख रहे हैं ये सारा लाइन से आ गया, ये क्या है अल्फाबेट ऑर्डर में क्या हो गया, सेटल हो गया। तो चलिए ये बहुत सिंपल कॉलम सिंपल क्वेश्चन था, शॉर्टिंग करना कभी भी आपको आ सकता है, कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकता है इस ऑप्शन का, ये दो जो भी आपको दिया हुआ है कॉलम है या रो है दिया हुआ, उसको कहा जाएगा कि अल्फाबेट ऑर्डर में सेट किया, या स्टूडेंट का नेम, आपके क्लास में कोई स्टूडेंट, सब सारे ढेर सारे स्टूडेंट है, उनको आपको रिजल्ट बनाना है और अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करना सबके नेम को, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके अरेंज कर सकते हैं बाय शॉर्टिंग ए टू जेड। ओके, चलिए सेवन नेक्स्ट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शॉर्टिंग के बाद, शॉर्टिंग के बाद है आप 12 क्वेश्चन नंबर है, अप्लाई 40% एसेंट फॉर सेल स्टाइल इन कॉलम सी। कॉलम सी में सेल स्टाइल 40% एसेंट फॉर वाला अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 12 क्वेश्चन में और हम लोग अप्लाई करते हैं इसको, ओपन होने दीजिए। कॉलम क्या है, कौन से कॉलम में करना है, कॉलम सी में, तो कॉलम सी कहाँ है, यहाँ है, कॉलम सी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेल स्टाइल में बोल रहा है, तो सेल स्टाइल कहाँ है, देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सेल स्टाइल कहीं दिखाई दे रहा है, स्टाइल है, ओके, तो स्टाइल को अगर बिग बड़ा कर देंगे तो ये इस तरह सेल स्टाइल बनेगा। कौन सा बोल रहा है, 40% एसेंट फोर शायद कह रहा है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन को देख ले हम लोग क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ठीक से क्या लिखा हुआ है, 12 नंबर 40% एसेंट फोर, 12 नंबर क्वेश्चन 40% एसेंट फोर लिखा हुआ है, तो 40% एसेंट फोर कहाँ है, यही है 40% एसेंट फोर, इसी को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेवन नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, बस स्टूडेंट को लगता है देखने में पहली बार भारी, इसीलिए स्टूडेंट क्या होता है मैक्सिमम फेल हो जाते हैं सीआईटी में ही। आउट ऑफ फिट कॉलम बी इन द गिवन एक्सेल शीट, कह रहा है कॉलम बी को क्या कीजिए, आउट ऑफ फिट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को ओपन करते हैं और कॉलम बी को क्या करते हैं, आउट ऑफ फिट। आउट ऑफ फिट का मतलब क्या होता है, अगर कॉलम बी देखिए, कॉलम बी को आउट ऑफ फिट करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं नाम है लेकिन आधा दिखाई दे रहा आधा नहीं दिखाई दे रहा, इन हो रहा है प्रियदर्शी, फिर उसके बाद इम्तियाज आलम की जगह ए एल ए ही दिखा रहा है, आलम नहीं दिखाई दे रहा, बाकी ये नाम क्या है मिसिंग है, तो ये क्या है कॉलम क्या है श्रिंक हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको आउट ऑफ फिट करना है ताकि पूरा नाम दिखाई दे। तो आउट ऑफ फिट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कॉलम के पास यहाँ पे लाना है और डबल क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे कॉलम पे लाके डबल क्लिक कीजिएगा तो वो एडजस्ट हो जाता है, ये ईमेल एड्रेस है, इसको अगर कॉलम पे लाके और डबल क्लिक कीजिएगा, ये बीच बीच में जहाँ पे निशान दिखाई देता है सी और डी के बीच में जहाँ एक लाइन है वहाँ पे ले आके डबल क्लिक कीजिएगा, ये आपका विड्थ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब इसमें पूरा दिखाई दे रहा है, कॉलम बी में आपको पूरा नाम सबका दिखाई दे रहा है, पहले क्या था श्रिंक था दिखाई नहीं दे रहा था, अभी ईमेल एड्रेस भी क्या था श्रिंक था दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे ही मैंने इस डबल लाइन यानी बी और सी कॉलम के बीच में डबल क्लिक किया ये आउट ऑफ फिट क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, आउट ऑफ फिट हो गया, यानी ऑटोमेटिकली फिट हो गया सारा नाम, अब साफ साफ सारा नाम दिखाई दे रहा है।
क्लियर। तो इस तरह से ऑटोफिट, किसी भी कॉलम को ऑटोफिट करना है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों कॉलम के बीच में जाके जो लाइन होगा उस पर डबल क्लिक कर देना है, अपने आप ऑटोफिट हो जाएगा। ओके चलते हैं आगे सेम एंड नेक्स्ट की तरफ, सेम एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन नंबर, इन द गिवन एक्सेल शीट इंटर वरदाना फॉन्ट स्टाइल इन सेल H12। कह रहा है H12 जो सेल है उसमें वरदाना फॉन्ट स्टाइल चेंज करके, जो पहले से सेल जो जो पहले से उसका फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज कीजिए, किसमें, वरदाना में। तो पहले हम लोग H12 में चलेंगे, किसमें कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन ओपन कर लें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 में चलेंगे। सेल कौन सा ओपन करने के लिए कह रहा है, H12। तो H कहाँ है, H ये है, ठीक है। 12 कहाँ है इसका, देखिए तो H12 ये वाला है, H12 ये कहलाएगा। H क्या हो गया, H कॉलम वाइज देखेंगे और 12 रो वाइज, तो यही आ गया। इसमें कह रहा है फॉन्ट स्टाइल जो है वो वरदाना सेलेक्ट करना है, तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ क्या होता है, फॉन्ट ये होता है, इसमें वरदाना सेलेक्ट करना है, तो यहाँ वरदाना लिखिएगा, देखिए आ गया वरदाना, इसको सेलेक्ट कर दिया। देखिए ये अब अलग टाइप का दिख रहा है, ये अलग टाइप का दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया, H12 में यानी H12 सेक्शन में जाने के बाद उसके फॉन्ट को चेंज कर दिया वरदाना में। ओके और पहले से बाकी सारा फॉन्ट किसमें है, बाकी सारा फॉन्ट कैलिबरी में है, कैलिबरी में है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग चेंज करके वरदाना में चेंज कर लिया। ओके सेम एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अप्लाई SN3 सेल स्टाइल इन कार होम लोन शीट। कह रहा है SN3 सेल स्टाइल जो है कार होम लोन शीट में अप्लाई करना है। तो SN3 देखते हैं, चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, और उसमें क्या करना है, SN3 अप्लाई करना है जहां पे शीट लिखा हुआ कार होम लोन। देखिए यहाँ शीट है कार होम लोन, इसको कह रहा है इस पूरे शीट में क्या करना है, SN3 सेल स्टाइल करना है। तो पूरे शीट में कह रहा है यानी कंट्रोल ए। ओके अगर किसी एक सेल में कह रहा है तो सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करना है, पूरे शीट में बात करेंगे तो कंट्रोल ए। SN3 कह रहा है तो SN3 सेल स्टाइल को सिलेक्ट करना है, उसका ओके कर देना है। तो अब हो गया ये SN3 सेवन नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, SN3 सेल स्टाइल हो गया, अब क्या कह रहा है, रीनेम द होम लोन शीट एज पेंडिंग ड्यूज। कह रहा है होम लोन शीट जो नाम से, जो शीट जिसका नाम होम लोन है उसका नाम बदल के पेंडेंट ड्यूज कर दीजिए। ओके तो 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ओपन करते हैं, जो शीट है उसका नाम क्या है, होम लोन, उसको चेंज करके नाम क्या देना है, पेंडिंग ड्यूज। यहाँ पे इसका नाम चेंज करना, नाम चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पेंडिंग ड्यूज, ठीक है, यही नाम करने के लिए कह रहा है, लिखा गया पेंडिंग ड्यूज, ये रीनेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेवन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17, मर्ज द सेल A2 टू D2 बाय यूजिंग मर्ज एंड सेंटर। कह रहा है सेल, मर्ज द सेल A2 टू D2 बाय यूजिंग मर्ज एंड सेंटर। A2 से लेकर D2 तक सेल जितना भी है उसको मर्ज कीजिए बाय यूजिंग मर्ज एंड सेंटर। तो 17 क्वेश्चन को ओपन करेंगे हम लोग, 17 क्वेश्चन को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, A2 से D2, A2 कौन है, ये A2 है, D2 कौन है, ये D2 है, तो यहां से यहां A2 से लेके D2 को क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यहां है, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो यहां मर्ज एंड सेंटर। देखिए चारों जो आपका रो था A2 B2 C2 D2 सब मर्ज होके एक जगह पे हो गए। ओके तो इसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर, यानी दो या दो से ज्यादा रो को या कॉलम को आपस में मर्ज करने के लिए इस ऑप्शन को यूज किया जाता है, मर्ज एंड सेंटर। पहले मर्ज कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, उसके बाद जो भी टेक्स्ट बचा हुआ उसको सेंटर बना दीजिए। ओके ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब एक्सेल का बहुत ही फेमस टैब है समझिए, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे सेवन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोटेट द टेक्स्ट ऑफ C3 सेल एज वर्टिकल टेक्स्ट। कह रहा है C3 में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वर्टिकल टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए। पहले जो टेक्स्ट लिखा रहता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है जनरली, हमेशा कोई भी टेक्स्ट ये कैसा लिखा, हॉरिजॉन्टल में, लेकिन कह रहा है इसमें C3 खोजिए, सी कॉलम ये है और 3 ये है, C3 हो गया, इसके टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट करना है, वर्टिकल टेक्स्ट में। तो देखिए टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ से होता है चेंज, ये भी जो लिखा हुआ है इसमें टेक्स्ट को चेंज किया था वर्टिकल में, तो ये वर्टिकल टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था हरी राम करके जो स्टूडेंट का नाम था, ईमेल आईडी था HariSTM, तो हरी राम STM जो करके ईमेल आईडी था वो क्या हो गया पूरा आपको हॉरिजॉन्टल से किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्टिकल में, यही हो गया वर्टिकल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेवन नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट इन सेल J5 टू J15। कह रहा है J5 टू J15 में सारे स्टूडेंट के मार्क्स को सम को कैलकुलेट करना है, यानी टोटल स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ पहले उन सारे के सम को कैलकुलेट करना है J5 से लेकर J10 के J15 के बीच में। तो चलिए ओपन करते हैं, देखिए J5 कहाँ है, ये है J5, J15 तो ये है आपका, सॉरी J14 तक है, तो J14 तक ही क्वेश्चन में होगा, अगर 15 बोला हो तो एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक और रो जो है ऐड करना पड़ेगा, अभी 14 तक ही रखते हैं,
तो ये कह रहा है कि जैसे पहला स्टूडेंट है पिलेदर सी, तो इसको हिंदी में 78 आया, इंग्लिश में 65 आया, मैथ में 84 आया, इन सबको जोड़ के यहाँ पे इसका टोटल बताना है। ठीक, इसी तरह से हरिराम का जोड़ के यहाँ पे टोटल बताना है, इम्तियाज आलम का जोड़ के यहाँ पे टोटल बताना है, सबका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है और टोटल पे ले जाने के बाद ऑटो सम करना है। यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन है, देखिए टोटल करने के लिए, तो टोटल करने के लिए ऑटो सम पे क्लिक कीजिएगा, ये ऐड हो गया टोटल, यानी कि 78 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 62 प्लस 92 जोड़ने के बाद कितना आएगा, 381 आ गया। सेम इसी तरह से इसको भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा, 306 आ गया। लेकिन क्या इसी तरह से बार बार ऐड करेंगे, नहीं, सिंपली इन दोनों को करने के बाद, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग कीजिएगा तो सारे का सम निकल जाएगा, जितना भी है सबका सम निकल जाएगा। देखिए ये क्या किया, दो का सम निकाला, सम निकालने के बाद दोनों कॉलम को सेलेक्ट किया एक साथ और उसका ड्रैग कर दिया तो टोटल का सम निकल गया। ये एक एक्सेल शीट का बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है कि अगर आपको बहुत बड़ा, अगर मान लीजिए मार्कशीट किसी स्कूल का बनाना है या कॉलेज के स्टूडेंट का बनाना है, तो आपको सबका जाहिर सी बात रिजल्ट निकालना है तो सारे सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से मार्क्स के हिसाब से हमको ग्रेड देना पड़ेगा, कुछ भी देना पड़ेगा, तो पहले सम तो निकालना पड़ेगा ना। तो हर एक का आप ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये मान लीजिए 100 स्टूडेंट का, तो 100 का ऐड कर देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक बार सिर्फ दो का निकालिए, उसके बाद क्या कीजिए, उस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करते ही सारे का जितना भी स्टूडेंट है सबका सम निकल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ओके, आगे चलते हैं, सेव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ कॉलम ई इन सेल E17। कह रहा है E17 में क्या करना है, कॉलम ई में जितना भी मार्क्स है सबका क्या है, मैक्सिमम मार्क्स जो है कॉलम ई में उसको बताना है। सिंपली देखिए क्या कह रहा है आपको, कॉलम ई में, कॉलम ई कहाँ गया, कॉलम ई, देखिए कॉलम ये है ना, कह रहा है इसमें जितना भी मार्क्स है इन सब में जो सबसे मैक्सिमम है उसको E17 कहाँ हो जाएगा, कॉलम ई और 17 नंबर रो, E17 ही हो गया। यहाँ पे लाना है आपको क्या, इन सब में जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो आपको अगर देखने के लिए कहा जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए क्या है एक्सेल शीट क्या करता है, जो टाइम लगने वाला चीज है उसको आसानी से विद इन ए सेकंड कर देता है। तो इसमें से हम कुछ भी नहीं जानते हैं कौन मैक्सिमम है, हम सिर्फ क्या करेंगे इतना सेलेक्ट करेंगे और कहां तक सेलेक्ट करेंगे, E17 तक, यानी इसमें जो मैक्सिमम है उसको E17 पे चाहिए, तो 17 तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आउट ऑफ सम के बगल में एरो दिखाई दे रहा है, इस पर टिक कीजिएगा तो ये दिखा रहा मैक्स, मैक्स दिखा रहा है, उसी तरह से मीन भी दिखा रहा है, उसी तरह से एवरेज भी दिखा रहा है, जो निकालना है आप उससे निकाल सकते हैं, हमको मैक्स चाहिए, मैक्स क्लिक कर दिया तो आ गया यहाँ पे। इसमें देखिए इस इन सारे में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स होगा वो 85 होगा, तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे 85 है, तो इन सब में सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो 85 है, यहाँ आ गया अपने आप ऑटोमेटिक आ गया। सिर्फ क्या किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से आउट ऑफ सम वाला ऑप्शन को क्लिक करके मैक्स पे क्लिक कर दिया। उसी तरह से अगर मीन पे क्लिक कर देते तो मिनिमम आया था वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर हमको चाहिए कि मिनिमम, सपोज हम करते हैं यहाँ पे मिनिमम चाहिए मुझे, एक सेकेंड इसको हम लोग क्लियर कर लें, और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू के लिए भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो मुझे यहाँ पे सपोज मिनिमम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और मिनिमम वैल्यू, एक सेकेंड पहले वाला हट जाएगा, मिनिमम जीरो, एक सेकेंड मिनिमम जीरो नहीं है बल्कि ये वाला सेल जो है सेलेक्ट नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से मिनिमम लेना, अगर E17 पे सपोज हमको मिनिमम लेना होता तो यहाँ जाते हैं और उसके बाद मिनिमम पे क्लिक कर देते कि 25 मिनिमम है, इसमें जो है 25 मार्क्स मिनिमम है, तो अभी फिलहाल मैक्सिमम बोला था, हम लोग क्या करेंगे आउट ऑफ सम पे क्लिक करके मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 85। इसमें लाना था 17 पे लाना था, ये ध्यान रखिए आप कौन से सेल में लाना है, उसी सेल पे लाना है। अगर मान लीजिए E17 पे कह रहा तो E17, E18 मान लीजिए E19 पे कह रहा था मैक्सिमम निकालने के लिए, तो E19 तक जाएंगे, ठीक है, कहीं भी बोल सकता है E19 तक बोल रहा, तो E19 में जाएंगे और उसके बाद जो बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम एवरेज कुछ भी सेलेक्ट करेंगे वहां पे आ जाएगा। आ गया, ये मैं इसलिए रोक रोक के सिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने पे ये समझ में आए कि कितना आसान है, कितना आसान है आपको ये एक्सेल शीट का क्वेश्चन बनाना, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं इसको अक्सर छोड़ देते हैं जल्दी के चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन सेल K5 to K14। कह रहा है कि एवरेज मार्क्स अब निकालना है, सेम क्वेश्चन है लेकिन एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो 21 को खोलेंगे किसका, K5 to K14 तक में जो भी है उसका एवरेज मार्क्स, देखिए के है, K5 यहाँ पे है और K14 यहाँ पे है, यानी इसमें सारे स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करना है, जैसे प्रियदर्शी का इन पांचों का एवरेज निकालना है और यहाँ पे बताना है, उसी तरह से हरिराम का इन पांचों सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है यहाँ पे बताना है, तो सेम वही वाला जैसा सम निकाला था वैसे ही एवरेज का फंडा लगाएंगे। एवरेज वाले में क्या, यहाँ सम की जगह हम लोग एवरेज सेलेक्ट करेंगे, तो एवरेज कहाँ है ये है, तो देखिए इन पांचों का अगर आप एवरेज लीजिएगा 78 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 62 प्लस 92 डिवाइड बाई 5 तो आएगा आपको इतना। ओके, सेम उसी तरह से इसका करना है एवरेज, वैसे ही करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, एवरेज क्लिक कर देंगे, एवरेज हो गया। अब हमको सबका निकालना है तो सबके लिए क्या कहा, ये दो हो गया तो मतलब अब सबका निकल जाएगा, क्या करना है इन दोनों बॉक्स को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद
ये जो डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाना है रो, आप क्लिक करके ड्रैग कर देना नीचे, ये सबका एवरेज निकल गया, निकल गया सेम सेम, एकदम सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर ट्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खुशी होगा बनाने में, क्योंकि एक्सेल सीट जिसको आने लगता है ना उसको फील होता है कि अब हम कुछ मतलब कर सकते हैं, इन द सेंस कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे बेहतरीन फीचर एक्सेल शीट में आपको मिलेगा। ओके, तो आप इसको यूज कीजिए, सीखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुट 65, 100, 110, 150 इन द सेल K9, K10, K11, K12। कह रहा है K9 में आप 65 पुट कीजिए, K10 में 100 पुट कीजिए, K11 में 110 पुट कीजिए, K12 में 150 पुट कीजिए और इन सब का सम जो है वो K15 में कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए हम लोग K9 से शुरू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए K कहाँ है, K ये है, K कॉलम ये है, 9 कहाँ है, तो 9 देखिएगा, 9 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ। तो K9 में क्या लिखना है, 65 लिखना है, क्वेश्चन में कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, K10 में क्या लिखना है, 100 लिखना है। फिर के इसमें क्या लिखना है, 110 लिखना है। फिर इसमें क्या लिखना है, 165 लिखना है, सबको इतना लिखना है, K9, K10, K11, K12 में लिखना है। और इन सब का जो मैक्सिमम है यानी मैक्सिमम मार्क्स जो कैलकुलेट, सॉरी, इन सब का सम जो कैलकुलेट करना है वो K15 में। तो देखिए 15 यहाँ हो गया लाइन में और K ये हो गया, तो K15 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो अगर आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आता है कि कौन सेल, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट को एक्सेल शीट में यही नहीं समझ में आता है कि इस सेल का नाम क्या है, जैसे सेलेक्ट किया लेकिन पता नहीं कि इस सेल का नाम क्या है, तो नाम आपको यहाँ दिखाता है। देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, N14, यानी N कॉलम है, ओके, और 14 नंबर सेल है, समझ में आया। तो देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ये दोनों हाईलाइट हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉलम हाईलाइट हो गया, यहाँ रो हाईलाइट हो गया, कोई और सेलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ M सेलेक्ट हो गया, M सेलेक्ट हो गया और यहाँ 20, तो ये क्या कहलाएगा, M20, यहाँ लिखा भी रहता है M20 हो गया, समझ में आया। कॉलम रो को कैसे सेलेक्ट करते हो, तो अभी आपको क्या कह रहा है, K15, तो K15 कहाँ आएगा, K का K ये हो गया और 15 यहाँ हो गया, तो ये K15 हो जाएगा। तो देख लेना है K15 हुआ कि नहीं, ये है ना K15, देखिए यहाँ लिखा हुआ K15, ये हाईलाइट 15 हाईलाइट, तो सब निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, इन सबको फिर से ऐसे सेलेक्ट करेंगे और 15 तक ले जाएंगे और ऑटो सम में जाके सम कर देंगे सम, तो देखिए इन चारों का जो सम है वो हो जाएगा 440। यही क्वेश्चन में कह रहा था कि पहला जो नंबर है 65 उसको K9 में डालिए, दूसरा जो है उसको K10 में डालिए, तीसरा जो है K11 में डालिए, चौथा जो है K12 में डालिए और इन चारों का सम जो है K15 में, यही क्वेश्चन में कह रहा था। देखिए कह रहा था K9 में डालिए, K10 में डालिए, K11 में, K12 में और इन चारों का सम जो है K15 में कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ दिखाई दिया कि कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे वैल्यू 150 बोल रहा हो, कोई बात नहीं, जो बोल रहा है वो डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरा एक्सेल शीट का क्वेश्चन आपने फाइनल एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये एक्सेल शीट का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।